वेलकम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है एक क्रूटस का स्पीड कंट्रोलर। ये 200 एम्पेयर 24 वोल्ट का स्पीड कंट्रोलर है। तो इसके अंदर मसला ये है कि इसके काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं और इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने ज़रा मोटर की तार लगा दी, अभी ये बैटरी माइनस के साथ लगाऊंगा। तो बेसिकली ये तार जो लगाई है ये मैंने स्विच पे लगाई है, यहाँ से मैंने इसकी वायरिंग कर दी है, कनेक्शन वगैरह तमाम कर दिए हैं। ये मैंने रिवर्स फॉरवर्ड स्विच लगा दिया है। तो अब इसका मसला ये है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारी मोटर डायरेक्ट ऑन हो जाती है। ये कंट्रोलर शार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मोटर को डायरेक्ट ऑन कर लेता है। तो इसके ये स्टेटस LED है, इसमें स्टेटस शो हो रहा है, 3-4 किस्म के फॉल्ट आ रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉल्ट ट्रेस करके भी दिखाएंगे और इसकी वायरिंग किस तरह करनी है, इसको डायग्नोस्ट किस तरह करना है तमाम आपको बताएंगे कि ये जो 3 तारे हैं मेन, ये किस मकसद के लिए हैं, ये 2 तारे किस मकसद के लिए हैं, ये वाला जो 4 तारों का पोर्ट है ये किस मकसद की है, ये जो 16 पिन की पोर्ट है ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।